जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है सावन के महीने में भगवान शिव का आशीर्वाद पाए 100% एक छोटे से सटीक उपाय से। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लाभकारी सिद्ध होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, हमारे पास अनेकों भक्तों का ये प्रश्न आया कि महाराज जी, कोई ऐसा छोटा सा सरल उपाय या विधि बताएं जिससे कि इस सावन के पवित्र महीने में शंकर भगवान का हमको आशीर्वाद मिल जाए और उनके दूत महाराज भी मिल जाए, जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो जाए और हमारे जीवन में प्रत्येक कार्य आसानी से होने लगे। इसके लिए आज हम आपको एक अत्यंत सुंदर और सटीक परीक्षित विधि बताने जा रहे हैं। कोई भी भक्त इस विधि को आसानी से कर सकता है और अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ इस विधि को किया जाए तो आप निश्चित मानिए आपको 100% शंकर भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा और उनके दूत महाराज भी आपको प्राप्त होंगे, जो आपके साथ जीवन भर आपके साथ रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे और आपके जीवन के प्रत्येक कष्टों को दूर करेंगे। देखिए, आपको करना क्या है, सावन के महीने चल रहे हैं, आपको नहा धो के सुबह स्वच्छ वस्त्र इत्यादि धारण करके आप घर के पूजा घर में बैठे, आसन डाल के आसन के पैर छू के बैठे। उसके उपरांत आपको भगवान शंकर का जो शिवलिंग है उसका पंचामृत से आप रुद्राभिषेक करें और सुंदर से पुष्प अर्पित करें उनको। बेलपत्र व धतूरे का भोग लगाएं, पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएं, जल अर्पित करें और हाथ में 21 रुपए लेके आप प्रार्थना करें कि हे शंकर भगवान, मैं एक छोटा सा अनुष्ठान करने जा रहा हूं, कृपया आप मुझे अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें और अपने शक्तिशाली दूत महाराज भी प्रदान करें। ऐसा बोलकर वो पैसे उनके समीप रख के आप मत्था टेक लें और आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी जलाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र की आपको जाप करना है। ये जाप कम से कम 1.25 लाख मंत्र का होना अनिवार्य है। इस 1.25 लाख जाप को आप सावन के पूरे महीने में कर सकते हैं। हालांकि आपके पास समय तो 1 महीने का है, आप बड़े आराम से इसको 15 से 20 दिन के अंदर एक छोटे से प्रयास से संपन्न कर सकते हैं। यह आपको निर्णय करना है कि आपको 15 दिन में करना है कि 20 दिन में करना है। आप 1.25 लाख में उतने दिन का भाग लगा दें। अगर आपको 20 दिन में करना है तो 1.25 लाख में 20 दिन का भाग लगा दें। आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक दिन में कितने मंत्र जाप करने है, उसके हिसाब से आप उतनी माला रोज ओम नमः शिवाय की विश्वास के साथ पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ आप जाप करें और ये जाप बहुत ही धीमी आवाज में होना चाहिए। आपके अलावा उस आवाज को कोई दूसरा ना सुन पाए और उस पूजा घर में आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस समय प्रवेश ना करे। बस इतना करना है आपको।
और सावन के प्रत्येक सोमवार को आपको घर के नजदीक किसी प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर में जाके पूजा अर्चना करनी है, जल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना है, थोड़ा भोग चढ़ाना है, थोड़ा दक्षिणा चढ़ानी है, चंदन से तिलक करना है और कलावा साथ में लेके जाएं, माता पार्वती और शंकर भगवान को साथ के साथ एक साथ लपेटें कलावा से और वहां सच्चे मन से आप प्रार्थना करें कि मैं एक छोटा सा प्रयोग कर रहा हूं, आप अपना आशीर्वाद मेरे को दें और अपने दूध महाराज मेरे को प्रदान करें, ऐसा बोल के मत्था टेक लें और घर वापस आ जाए। ये एक बहुत छोटा सा सटीक 100% परीक्षित प्रयोग बता रहा हूं। इस प्रयोग से हमने हजारों लाखों लोगों को भगवान शंकर का आशीर्वाद दिलवाया है, दूत महाराज दिलवाए हैं। आप इस प्रयोग को अवश्य करें जिससे कि आपको जीवन में अनेकों लाभ मिलेंगे, आपके प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको परेशान नहीं कर पाएगी, ना आपके घर में आपके शरीर में प्रवेश कर पाएगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये प्रयोग परीक्षित प्रयोग है, आप इसको करके देखें। बहुत कम समय लगता है इसमें, बहुत छोटा मंत्र है और बहुत छोटे से प्रयास से आप इतनी बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति को पाने में समर्थ होंगे। सावन का महीना आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, कृपया आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।